नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गेमिंग टेक में। तो स्टूडियो में लोग यहाँ पे बात करने वाले सपागीजा T20 लीग का यहाँ पे मैच नंबर जो 19 होगा, जो कि यहाँ पे खेला जाएगा BD वर्सेस BOD के बीच में। इसके हम लोग यहाँ पे आप लोग को ड्रीम इलेवन के स्मॉल लीग के प्राइम टीम देने वाले हैं। साथ में आप लोग के लिए यहाँ पे ग्रैंड लीग के जो भी इंपॉर्टेंट और की प्लेयर है उनके बारे में आप लोग को यहाँ पे बताने वाले हैं। प्लस फ्रेंड्स, जो हमारी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि टॉस फैक्टर यहाँ पे दोनों टीमों के बीच में किस प्रकार से काम करेगा, वो भी हम आप लोग को यहाँ पे बताने वाला है। यानी कि अगर यहाँ पे BD पहले बैटिंग करती है तो पहले आपको मैच में किस प्रकार के यहाँ पे कंडीशन देखने को मिलेगी, वही अगर यहाँ पे BOD पहले बैटिंग करती है तो मैच में आपको किस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलेगी। दोनों चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिटेल में एनालाइज करेंगे, दोनों टीमों को हम आपस में कंपेयर करके आपको दिखाएंगे। प्लस यहाँ पे जितने भी 3 सालों के रिकॉर्ड है दोनों टीमों के, जब भी आपस में भिड़ी है तो यहाँ पे क्या रिजल्ट रहा है वो भी आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर किया जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को आप लोगों को अंत तक देखना है, बीच में कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करनी है। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी तक BD ने टोटल 5 मैच यहाँ पे खेले हैं। 5 में से फ्रेंड्स इन्होंने 3 मुकाबले यहाँ पे विन किए हैं, 2 मुकाबले हारे हैं। वहीं बात करो BOD की तो BOD ने भी फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल 5 मुकाबले खेले हैं। इन्होंने भी फ्रेंड्स यहाँ पे 3 मुकाबले यहाँ पे विन किए हैं, 2 मुकाबले यहाँ पे हारे हैं। तो ओवरऑल आप लोग यहाँ पे अभी तक जो इनका सीजन चल रहा है तो आप लोग यहाँ पे इक्वल यहाँ पे मान सकते हो। लेकिन आप लोग यहाँ पे देखोगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे एक मुकाबला 8 सितंबर को हुआ था इन दोनों टीमों के बीच में, जहाँ पे कि यहाँ पे BD ने फ्रेंड्स शानदार तरीके से BOD को यहाँ पे हराया था और 9 विकेट से यहाँ पे फ्रेंड्स इस मैच को विन किया था। इसके अकॉर्डिंग में आप लोग यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो कि BD की जो टीम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू BOD। ठीक है, तो यहाँ पे पिछले फ्रेंड्स यहाँ पे 2017 और 2019 में यहाँ पे 2 मैच इनके बीच में हुए हैं, दोनों के दोनों मुकाबले यहाँ पे शानदार तरीके से BD ने यहाँ पे विन किए हैं। और आप लोग यहाँ पे BOD के विकेट भी आप लोग देखना, एक मैच में 10 विकेट गिरे हैं और 2 मैचों में फ्रेंड्स यहाँ पे 9-9 विकेट गिरे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा विकेट यहाँ पे गिर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इस चीज़ का इस तरीके से फायदा उठा सकते हो। अगर यहाँ पे BD यहाँ पे पहले बैटिंग करेगी तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सारे के सारे टॉप ऑर्डर के जितने बैट्समैन हैं आपको सारे के सारे यहाँ पे पिक कर लेने। और यहाँ पे जो इनके ओपनर हैं, यहाँ पे आप लोग देखोगे BD के बहुत कम यहाँ पे विकेट गिरे हैं, जैसे इनके जो ओपनर हैं उन्हीं को आप लोगों को कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ पे रखना है। ठीक है, वहीं अगर सपोज दैट BOD पहले बैटिंग करती है तो आप लोगों को क्या करना है, BD की तरफ से आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट बॉलर यहाँ पे पिक कर लेने। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सिर्फ बॉलरों को ही कैप्टन वाइस कैप्टन, सारे जितने भी बॉलर हैं सबको आपको कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना अपनी ग्रैंड लीग की टीम में। स्मॉल लीग में तो फ्रेंड्स आप लोग कॉमन यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, लेकिन आपको फिर भी BD की तरफ से मैक्सिमम यहाँ पे बॉलर आपको पिक करने हैं। ठीक है, जिससे कि आप लोग यहाँ पे इजीली यहाँ पे विन कर पाओ, क्योंकि आप लोगों को पता है जो BOD के विकेट है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिरेंगे। यहाँ पे देख सकते हो 3 मैचों में फ्रेंड्स 9-10 विकेट यहाँ पे गिरे हैं इनके, यानी कि 9-18-10-28 विकेट यहाँ पे 3 मैचों में गिरे हैं, यानी 30 में से 28 विकेट यहाँ पे गिरे फ्रेंड्स। तो आप लोग मान सकते हो कि यहाँ पे 9 से 10 विकेट आपको कल के मैच में फिर से यहाँ पे गिरते हुए नजर आएंगे। तो फ्रेंड्स जो विकेट मिलेंगे वो मिलेंगे BD के बॉलरों को। तो BD के जो बॉलर है सबको आपको ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना, इजीली आप लोग ग्रैंड लीग में बहुत अच्छी रैंक इससे ला लोगे, इतना मेरा मानना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब आप लोग चलते हैं सीधे यहाँ पे टीम की तरफ। तो टीम मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे बना के रखी फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आप लोगों को टीम बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं पूरी तरह से उम्मीद करूंगा कि ये वाला मुकाबला भी आप लोग के लिए जैकपॉट मुकाबला निकलेगा। ठीक है, आज के दिन में भी जितने भी हमने मैच यहाँ पे कवर किए सारे के सारे क्लीन स्वीप रहे। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्रेंड्स अगर आप लोग विन करते और यहाँ पे आपको कुछ भी अच्छा इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती तो यार आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे विकेट कीपर सेक्शन में आप लोग देखोगे आई अली खली को मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो ऑप्शन यहाँ पे है एम मोहम्मद है। ठीक है, तो एम अहमद की मैं यहाँ पे बात करूँ तो फ्रेंड्स दोनों के दोनों यहाँ पे लगभग इक्वली है। ठीक है, यहाँ पे आपको अहमद के पॉइंट आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये सारे के सारे पॉइंट आपको बताऊँ तो ये सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे रनआउट और स्टम्पिंग की से इन्हें को मिले हैं। और आपको पता है फ्रेंड्स जो BOD की टीम है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वीक टीम है अकॉर्डिंग टू BD, तो इसलिए मैंने यहाँ पे BD के प्लेयर हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे दी है। इसलिए मैं अली के साथ यहाँ पे गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो विकेट गिरेंगे उसमें से फ्रेंड्स यहाँ पे आई अली जो है आपको यहाँ पे विकेट कीपिंग में भी जो भी पॉइंट आपको ला के दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे रनआउट और स्टम्पिंग से भी काफ़ी अच्छे पॉइंट आपको यहाँ पे गेन करके देंगे, इसलिए मैं यहाँ पे आई अली खिल को लेके जा रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे एम अहमद के साथ भी आप लोग जा सकते हो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट को आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करके चलना पड़ेगा फ्रेंड्स। अब चलते हैं बैटिंग सेक्शन में। बैटिंग सेक्शन में आप लोग देखोगे फ्रेंड्स तो टोटल 4 बैट्समैन साथ में गया हूँ। पहला नाम आता है यहाँ पे उस्मान गानी का, जिनका की परफॉर्मेंस आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि यहाँ पे किस तरीके से शानदार तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सिर्फ लास्ट मुकाबले फ्रेंड्स इन्होंने कुछ खास यहाँ पे स्कोर नहीं किया, जहाँ पे 11 रन इन्होंने बनाए थे। इससे पहले आप लोग देखोगे 40 रन और उससे पहले 3 मैचों में 3 हाफ सेंचुरी यहाँ पे मार चुके हैं, यानी कि फ्रेंड्स 5 में से 3 मैचों में हाफ सेंचुरी, 1 मैच में यहाँ पे 41 रनों की शानदार इनिंग खेल चुके हैं। तो यार उस्मान गानी तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस यहाँ पे होने वाले कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी। इसके लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आई जन्नत को लिया हूँ। आई जन्नत की आज के परफॉर्मेंस आप लोगों को याद ही होगी शायद से, यहाँ पे जहाँ पे 57 रनों की इन्होंने शानदार इनिंग खेली थी।
इससे पहले फ्रेंड्स इनका जो यहाँ पे रिकॉर्ड है कुछ खास यहाँ पे था नहीं, ठीक है, लेकिन लास्ट मैच में फ्रेंड्स इन्होंने काफ़ी शानदार तरीके से परफॉर्मेंस किया, इसलिए हमारे लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिया है हजतुल्ला जजाई को। जजाई की बात कुछ फ्रेंड्स इनका जो करंट फॉर्म है कुछ खास यहाँ पे चल नहीं रहा, ठीक है, जिस हिसाब से ये यहाँ पे जिन जो इनका यहाँ पे T20 का रिकॉर्ड है उसके हिसाब से फ्रेंड्स इन्होंने अभी तक यहाँ पे कुछ खास बैटिंग यहाँ पे की नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है। वैसे फ्रेंड्स यहाँ पे उस्मान गानी, हजतुल्ला जजाई और असगर अफगान में सबसे अच्छे जो T20 के बैट्समैन है वो यहाँ पे हजतुल्ला जजाई है, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे यहाँ पे ग्रैंड लीग वगैरह के लिए। ग्रैंड लीग में फ्रेंड्स आप दो तीन टीमों में इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर से ट्राई करना। उम्मीद करूँगा कल के मैच में ये आपको एक अच्छी इनिंग और अच्छे कैप्टन आपके लिए साबित होंगे ग्रैंड लीग के लिए, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे असगर अफगान को मैं लेके चल रहा हूँ। असगर अफगान की बात करूँ तो फ्रेंड्स ये भी कंटिन्यू यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। लास्ट मुकाबले में ये भी फ्लॉप हो गए थे, लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ पे देखोगे फ्रेंड्स एक में जो 38 रन और फ्रेंड्स यहाँ पे जो स्टार्टिंग के दो मुकाबले थे एक में 55 और एक में फ्रेंड्स यहाँ पे 45 रनों की शानदार इनिंग ये भी खेल चुके हैं। तो ये भी फ्रेंड्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको पता ही है कि BD की टीम जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। असगर अफगान को आप लोग एक केस में यहाँ पे ड्रॉप करके चल सकते हो अगर आपको यहाँ पे BOD पहले बैटिंग करती है, ठीक है। उस केस में आप लोग यहाँ पे मान सकते हो कि BOD जो है काफ़ी छोटे स्कोर में यहाँ पे सिमट जाएगी, जैसे कि यहाँ पे हजतुल्ला जजाई और उस्मान गानी ही चेज कर लेंगे, तो उस केस में आप लोग यहाँ पे असगर अफगान को ड्रॉप करके चल सकते हो, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें डिक्लेयर हो पाएगी टॉस के बाद, और टॉस तक आपको वेट करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन बचते हैं फ्रेंड्स, इसुल्ला है यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है, जो कि यहाँ पे फ्रेंड्स फर्स्ट डाउन आपको खेलते नजर आएंगे, तो इनके साथ भी आप लोग यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। इनका जो रिकॉर्ड बताओ तो फ्रेंड्स ये भी ठीक ठाक यहाँ पे बैट्समैन है, 20-30 रन आपको इजीली यहाँ पे बना के दे देंगे, ठीक है। फिर एन जमाल, रहमत शाह है, रहमत शाह एक वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे रहमत शाह का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही ज़्यादा पुअर यहाँ पे चल रहा है। तो फ्रेंड्स रहमत शाह अगर कल के मैच में आपको खेलते नजर आए तो आप लोग यहाँ पे ग्रैंड लीग की टीम में ट्राई कर सकते हो अपने, ठीक है। चलो फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी खास यहाँ पे ऑप्शन है नहीं जिसके बारे में आप लोगों को बताऊँ, अगर कोई नया प्लेयर खेलेगा तो टेलीग्राम पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में, तो ऑलराउंडर सेक्शन में आप लोग देखोगे तो तीन ऑलराउंडर के साथ मैं गया हूँ। पहला नाम आता है यहाँ पे करीम जन्नत का। करीम जन्नत की बात करो तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि आज के मैच में इन्होंने शानदार तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे जो 64 रनों की इनिंग खेली, लाजवाब इनकी जो इनिंग थी फ्रेंड्स, ठीक है। इन्होंने फ्रेंड्स यहाँ पे जो इनके ओपनर थे इन्होंने यहाँ पे मैच को विन करा लेते हैं, ठीक है। इन्होंने मतलब फ्रेंड्स पूरे 10 विकेटों से यहाँ पे मैच को विन किया, तो यहाँ पे करीम जन्नत का काफ़ी अच्छा रोल प्ले उसमें था। वहीं बात करो फ्रेंड्स एस अशरफ की, तो एस अशरफ भी आपके लिए एक अच्छी चॉइस यहाँ पे होने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे एस अशरफ की बात हो तो लास्ट मैच में 1 विकेट, उससे पहले भी 1 विकेट, उससे पहले 2, उससे पहले आप लोग यहाँ पे देखोगे तो फ्रेंड्स इन्होंने 4 विकेट निकाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यार जन्नत भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और यहाँ पे की रोल प्ले करने वाले हैं SSRF, तो SSRF को आप लोग जरूर से यहाँ पे ट्राई करना। फिर यहाँ पे गुलबदीन नेब की बात करो तो आज के मैच में आप लोगों ने देखा फ्रेंड्स 2 विकेट इन्होंने शानदार तरीके से निकाले थे, ठीक है। रन भी काफ़ी पिट रहे थे लेकिन फ्रेंड्स विकेट इन्हें फाइनली मिली गई थी 2 विकेट, तो गुलबदीन नेब भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बैटिंग और बॉलिंग दोनों जगहों से। बैटिंग तो इनकी आज आई नहीं लेकिन बॉलिंग से इन्होंने काफ़ी शानदार तरीके से 2 विकेट निकाले, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे स्टैन जाई आपके पास एक शानदार अल्टरनेटिव चॉइस है, अगर आप लोग यहाँ पे ऑलराउंडर में किसी अल्टरनेट चॉइस को ढूंढ रहे तो स्टैन जाई आपके पास एक अच्छी चॉइस यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। इनको आप लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, खासकर ग्रैंड लीग की टीम में आप लोग इन्हें कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो, सिर्फ 10% सिलेक्शन है फ्रेंड्स इनका, ठीक है। इसके अलावा एस गफ्फारी भी आपके पास एक चॉइस है आज के मैच में, यहाँ पे आपको पता है एस गफ्फारी खेले थे, ठीक है। तो एस गफ्फारी को भी आप लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हो फ्रेंड्स, कुछ खास तो किया नहीं, एक कैच यहाँ पे एस गफ्फारी ने पकड़ा था, ठीक है। बॉलिंग अच्छी करा थे लेकिन फ्रेंड्स विकेट इनके हाथ नहीं लग पाए, तो एस गफ्फारी ग्रैंड लीग के लिए आपके लिए एक प्लेयर हो सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आइजदरन भी आपके पास एक ग्रैंड लीग के लिए प्लेयर है, तो आप लोग इनको ग्रैंड लीग में ट्राई करना, ठीक है। अब चलते फ्रेंड्स बॉलिंग सेक्शन में, तो बॉलिंग सेक्शन में आप लोग देखो तो 3 बॉलरों के साथ में गया। पहला नाम आता है फ्रेंड्स यहाँ पे सलाम खेल का। सलाम खेल आपको पता है फ्रेंड्स कंटिन्यू यहाँ पे विकेट निकालने हैं, लास्ट तीन मैचों में फ्रेंड्स 3 विकेट निकाल चुके हैं। उससे पहले आप लोगों ने देखा कि 3 विकेट इन्होंने शानदार तरीके से निकाला, उससे पहले 2 विकेट, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक मैच में आपको सलाम खेल ने विकेट निकाल के दिए, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सलाम खेल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरे नंबर पर मैंने लिया ए हमजा को। हमजा की बात करो तो फ्रेंड्स हमजा भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से विकेट निकाले लास्ट मैच में भी, आप लोगों ने देखा आज के मैच में काफ़ी अच्छी इकोनॉमी रेट से यहाँ पे बॉलिंग इन्होंने कराई थी, ठीक है। 2 की इकोनॉमी रेट थी और फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने 2 विकेट भी निकाले थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमजा भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने हमजा को लिया। फिर यहाँ पे एफ मोमेंट की बात करूँ तो एक मैच में इन्होंने खेला था फ्रेंड्स सिर्फ और 81 पॉइंट दिए थे यार, उस मैच में इन्होंने 3 विकेट निकाले थे और 2 की इकोनॉमी रेट से बॉलिंग कराई थी, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे SCZ आपके पास एक और चॉइस है, ठीक है। SCZ की मैं बात करूँ तो आप लोग चाहो तो इनको ले सकते हो यहाँ पे सलाम खेल की जगह पे, लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे BD के जो विकेट है वो काफ़ी कम गिर रहे हैं, तो यहाँ पे CZ का विकेट मिलने के चांस काफ़ी कम है। आज के मैच में CZ ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग यहाँ पे कराई थी, ठीक है। एक मीडियम ओवर भी डाला था, एक विकेट भी यहाँ पे इन्होंने निकाला था, तो ग्रैंड लीग वगैरह के लिए आपके पास यहाँ पे CZ अच्छी चॉइस होगी। स्मॉल लीग में भी आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो सलाम खेल की जगह पर, ठीक है। फिर यहाँ पे HSN भी आपके पास एक चॉइस है, इनको भी आप लोग ट्राई करना पर ओनली ग्रैंड लीग की टीम में, ठीक है। फिर डब्लू मोहम्मद है, इनको भी ग्रैंड लीग में आप लोग ट्राई करना। M. अशरफ एक प्लेयर है, ठीक है, इनको भी आप लोग ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई कर सकते हो।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे यही इम्पोर्टेंट प्लेयर थे तीन चार। तो इनके अलावा अगर आपको कोई और प्लेयर यहाँ पे खेलता हुआ नजर आएगा तो उसके बारे में आप लोग निश्चिंत रहना, टेलीग्राम पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि उस प्लेयर का क्या रिकॉर्ड है और किस तरीके से वो आपको लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ग्रैंड लीग या फिर स्मॉल लीग के लिए। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं सिंपली कैप्टन और वाइस कैप्टन की तरफ। तो कैप्टन मैंने यहाँ पे करीम जन्नत को लिया है, आपको पता है कि किस लेवल के ये ऑलराउंडर है, इंटरनेशनल भी काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं। वाइस कैप्टन मैंने यहाँ पे हस्तुल्ला जजाई को रखा है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे उस्मान गानी वगैरह को भी रख सकते हो, लेकिन अगर आप लोग उस्मान गानी को रखते हो तो आपके यहाँ पे रैंक थोड़ा सा क्लैश होने के चांस है, इसलिए यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सोच समझ के वाइस कैप्टन या फिर कैप्टन रखना पड़ेगा। आप उस्मान गानी को भी कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे हस्तुल्ला जजाई मेरे नज़र में इनमें से सबसे अच्छे T20 के स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, तो मैंने हस्तुल्ला जजाई को वाइस कैप्टन रखा है। कैप्टन मैंने यहाँ पे रखा है करीम जन्नत को, जो कि आपको बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी अच्छा परफॉर्मेंस करके देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं टीम के फाइनल प्रीव्यू की तब। तो कुछ इस प्रकार से हमारी टीम बन के आई है। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अगर आप लोग अल्टरनेट चॉइस ढूंढे तो उस्मान गानी और यहाँ पे गुलबुद्दीन नेब भी आपके पास एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। आप इन दोनों को भी कैप्टन वाइस कैप्टन आपस में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा असगर अफगान भी आपके पास एक और चॉइस है, अगर यहाँ पे पहले बैटिंग करती है BD तो आप लोग असगर अफगान को भी कैप्टन का रोल यहाँ पे दे सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी बॉलिंग सेक्शन में ढूंढ रहे हो अगर आप लोग यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन, तो एफ मोहम्मद आपके पास वन ऑफ द बेस्ट चॉइस होने वाले हैं, जिन्होंने के लास्ट मैच में यहाँ पे 3 विकेट निकाले हैं। और आपको पता है जो सामने टीम है काफ़ी ज़्यादा वीक टीम है, तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे एफ मोमेंट को भी एज ए कैप्टन का रोल यहाँ पे दे सकते हो। अब आप लोगों को क्या करना फ्रेंड्स, सेम टू सेम टीम आपको लगा लेनी बैट बॉल इलेवन पे। अगर आप लोगों ने यार बैट बॉल इलेवन पे खेलना स्टार्ट नहीं किया तो आप लोग कर सकते हो, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे रखी है। तो जैसे आप लोग लिंक से डाउनलोड करोगे तो 50 रुपीज़ का आपको इंस्टेंट कैश बोनस उसी टाइम मिल जाएगा। फिर आप लोग फर्स्ट डिपॉजिट यहाँ पे करोगे, मिनिमम आप लोग कितना भी कर सकते हो, मैक्सिमम आप लोग 10,000 तक कर सकते हो, तो आपको 100% कैश बोनस मिलेगा। यानी कि अगर आप लोगों ने 10,000 यहाँ पर डिपॉजिट कर लिए तो आपको 10,000 का यहाँ पर बोनस मिल जाएगा, यानी आपके जो पैसे हैं शुरू में ही यहाँ पर डबल हो जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप लोग दूसरी बार यहाँ पर डिपॉजिट करोगे तो आपको 75% यहाँ पर बोनस मिलेगा, यानी अगर आप लोगों ने दोबारा से यहाँ पर 10,000 अगर आप लोगों ने डिपॉजिट किए आपको 7,500 यहाँ पर बोनस के रूप में फिर से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा तीसरी बार अगर आप लोग यहाँ पे डिपॉजिट करोगे तो आपको 50% फिर से बोनस मिलेगा, और चौथी बार में आपको 25% फिर से बोनस मिलेगा। तो यानी कि आपके पैसे फ्रेंड शुरू में ही यहाँ पे डबल ट्रिपल हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे हेड टू हेड में देखोगे जो लीग आपको ड्रीम इलेवन में मिलती है 5750 की, जिसमें कि 10,000 आपको प्राइस रहता है, ठीक है। वही लीग अगर आप लोग यहाँ पे जाके चेक करोगे फ्रेंड्स तो वो लीग आपको यहाँ पे मिलती है, देख सकते हो फ्रेंड्स 5199 रुपये, ठीक है, जिसमें कि 10,000 यहाँ पे प्राइस है। यानी कि आपसे फ्रेंड्स यहाँ पे 551 रुपये कम एंट्री फीस ली जा रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छे बोनस के यहाँ पे ऑफर मिलते हैं, ठीक है। बोनस को आप लोग यहाँ पे अच्छी तरीके से यूज कर पाते हैं ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग में, और फ्रेंड्स ऊपर से एंट्री फीस कम है और बोनस भी आप लोगों का लग जा रहा है, तो यार आपके लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देखोगे तो आपको सेकंड इनिंग में भी आप लोग यहाँ पे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने एक मैच लगाया, आप लोग उसमें हार रहे हो, लेकिन अभी सेकंड इनिंग बाकी है, तो आप लोग सेकंड इनिंग पे प्लेयर लेके यहाँ पे एक टीम बना के उसी मैच में आप लोग अपनी हार को यहाँ पे जीत में कन्वर्ट कर सकते हो, कम बैक उसी मैच में आप लोग कर सकते हो। फिर यहाँ पे टेस्ट वगैरह के लिए थर्ड इनिंग फोर्थ इनिंग में भी आप लोग यहाँ पे अपनी टीम लगा सकते हो। जैसे टेस्ट मैच चल रहे आप लोगों ने लगाई नहीं स्टार्टिंग में, और यहाँ पे अब यानी थर्ड इनिंग या फिर फोर्थ इनिंग बची है, तो आप लोग उसमें भी अपनी टीम को यहाँ पे उतार सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी यूनिक फीचर है इस ऐप का, इसीलिए मैंने आप लोगों को इस ऐप के बारे में बताया है। आई होप आप लोगों को ये ऐप वगैरह पसंद आएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ये ऐप वगैरह पसंद आएगा तो आप लोग एक बार जरूर से ट्राई करना, और अपना जो एक्सपीरियंस है इस ऐप के रिगार्डिंग नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना, ठीक है। बाकी कोई भी इश्यू आता अगर आपको आता है इस ऐप के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर टेलीग्राम पर आप लोग बता देना, आपका जो इश्यू है पूरी तरह से यहाँ पर सॉल्व कर किया जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आप लोगों से इतना ही कहना था, मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स।